ये आपका पेपर हुआ बेटा सेट, और यहाँ पर जो यूनिट आई है, यूनिट जो ली गई है बेटा वो दो यूनिट ली गई है। एक लिया गया आपका वेव ऑप्टिक्स, एक लिया गया बेटा वेव ऑप्टिक्स, और सेकंड जो बेटा वो लिया गया आपका ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। यहाँ से लिया गया है, ये जो चैप्टर लिए गए हैं बेटा, दिस आर द टू चैप्टर जो लिए गए हैं। जैसा मैंने आपको बोला था कि भाई 99% आएगा, बट उसमें थर्ड यूनिट नहीं ली गई है, एटम एंड न्यूक्लियाई। सो क्वेश्चन पेपर उठाया गया दो यूनिट से, तो आज हम इनका सॉल्यूशन करेंगे बेटा वन बाय वन। तो क्वेश्चन नंबर वन जो आपको दिया था, तो बच्चे अपने चेक कर सकते हैं, एनर्जी ऑफ फोटोन। तो बेटा एनर्जी ऑफ फोटोन बेटा, फोटोन क्या होती हैं, लाइट होते हैं। फोटोन्स क्या होते हैं, स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी विच आर कॉन्टिन्यूस एमिटिंग फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट, या सन से जो लगातार एमिट होती है, एंड दैट एनर्जी इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, एच न्यू। सो फर्स्ट ऑप्शन इसका जो ए ऑप्शन है इज द राइट आंसर, एनर्जी ऑफ फोटोन। सेकेंड है बेटा, फोटोन से रिलेटेड है कि रेस्ट मास ऑफ फोटोन। बेटा फोटोन की रेस्ट मास क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या है बेटा, इसकी जो रेस्ट मास होती है फोटोन की, रेस्ट मास दैट इज इक्वल टू जीरो। ये आया कहाँ से, ये रिलेटिविस्टिक इक्वेशन है बेटा, दैट इज रूट वन माइनस वी स्केयर बाय सी स्केयर। और इन केस ऑफ फोटोन के केस में v बराबर क्या होता है बेटा, c। जब आप v इक्वल टू c करोगे तो 1 माइनस 1 जीरो को आप इधर लेके जाओ बेटा, आप यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो m नॉट इज जीरो। तो रेस्ट मास क्या आएगी, जीरो आएगी। सो c ऑप्शन इसका जो ऑप्शन है बेटा वो c है, सेकंड का राइट आंसर है। क्योंकि बेटा कभी भी लाइट, फोटोन क्या बेटा, खुद लाइट है। फोटोन क्या बेटा, लाइट है। क्या कभी लाइट रेस्ट में होगी, नहीं, कभी लाइट रेस्ट में नहीं होती, दैट्स वाई लाइट आल्सो प्रोपेगेट। नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है, द फेज डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट, कि वेव फ्रंट के ऊपर द फेज डिफरेंस, क्वेश्चन है बेटा द फेज डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑन ए गिवन वेव फ्रंट भाई, किसी वेव फ्रंट पर क्या होता है बेटा, वो क्या होता है, जीरो। क्या आएगा, जीरो। द फेज डिफरेंस शुड बी जीरो, सो ऑप्शन इज बी इज द राइट आंसर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको डायरेक्ट बताया गया था। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन है बेटा, डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द मूविंग मटेरियल, क्योंकि डी ब्रोगली ने किसके बारे में बताया था बेटा, डी ब्रोगली ने मूविंग मटेरियल विल पोजेस, डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड, तो क्या होती है बेटा, लैम्डा बराबर है एच बाय एम वी, लैम्डा बाय एच। एच क्या बेटा, प्लैंक कांस्टेंट है, एम क्या होती है, मास ऑफ द पार्टिकल, वी इज द वेलोसिटी ऑफ द मूविंग मटेरियल। सो हियर दैट इज द ए ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन है बेटा, ए इज द राइट आंसर। सो नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव हियर आइंस्टीन गॉट द नोबल प्राइज फॉर एक्सप्लेनेशन। बेटा जो आइंस्टीन थे, गॉड ऑफ साइंस, गॉड ऑफ फिजिक्स आइंस्टीन जो है बेटा, दैट गॉट द नोबल प्राइज, ही हैज गॉट द नोबल प्राइज मिला था बेटा उनको। और जो नोबल प्राइज मिला था वो मिला था बेटा 1922 में, लेकिन बेटा 1922 के बजाय वो किसके लिए था, 1921 के लिए था। क्योंकि और कौन सी इक्वेशन थी बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए इसको नोबेल प्राइज मिला था। सो आंसर इज सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स द एसेंशियल कंडीशन फॉर द टू सोर्सेज शुड बी कोरेंट। बेटा एसेंशियल कंडीशन क्या होगी कि टू सोर्सेज शुड बी कोरेंट, एसेंशियल कंडीशन
तो बेटा एसेंशियल जो कंडीशन है दैट इज एसेंशियल कंडीशन। सो एसेंशियल कंडीशन किसके लिए बेटा? कोहेरेंट सोर्सेज के लिए, फॉर टू कोहेरेंट सोर्सेज, फॉर टू कोहेरेंट सोर्सेज। अरे सिंपल सी बात है भाई, नंबर एक, नंबर एक लाइट शुड बी मोनोक्रोमेटिक, लाइट शुड बी मोनोक्रोमेटिक, नंबर एक। नंबर दो सेम फ्रीक्वेंसी, क्या है बेटा? सेम फ्रीक्वेंसी शुड बी एमिट होना चाहिए बेटा, द फेज डिफरेंस शुड बी कांस्टेंट, कि फेज डिफरेंस होना चाहिए कांस्टेंट होना चाहिए। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7, वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन, ये बेटा इलेक्ट्रॉन के केस में था, इलेक्ट्रॉन के केस में मैंने आपको कराया था कि लैम्डा इज इक्वल टू 12.5 एंगस्ट्रॉम्स बटे रूट बी, ऐसी वोल्टेज देगा आपको जिसका रूट निकल सकता है, या तो 64 दे देगा, या बेटा आपको 36 दे देगा, या 100 दे देगा, तो आपके पास आंसर आएगा 12.27। क्वेश्चन नंबर 8 था बेटा आपका, वो था कि राइट वन फैक्टर एट विच द एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड, बेटा एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन कौन होते हैं? जैसे कि ये फोटोसेंसिटिव मटेरियल है, इसके ऊपर जब लाइट पड़ती है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उनका नाम है बेटा फोटो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि क्या पढ़ने से निकले हैं? फोटोन पढ़ने से, फोटोन का मतलब है लाइट, लाइट पढ़ने से जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं दीज आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और जो उनकी एनर्जी है बेटा उनकी सिर्फ एनर्जी दो के ऊपर डिपेंड करती है, नंबर एक फ्रीक्वेंसी, नंबर दो वेवलेंथ। तो यू शुड राइट द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट मींस फोटॉन्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन है बेटा कि वेव फ्रंट कैसा होगा, जब सोर्स कैसा होगा, पॉइंट सोर्स होगा, पॉइंट सोर्स होगा तो वेव फ्रंट आपका कैसा बनेगा बेटा? स्फेरिकल बनेगा, द वेव फ्रंट शुड बी स्फेरिकल इन नेचर। यदि सिलेंड्रिकल सोर्स होगा तो बेटा आपका वेव फ्रंट जो है सिलेंड्रिकल बनेगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में डेफिनेशन दे दी बेटा डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो बेटा डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की जो डेफिनेशन है सिंपल क्या है कि जब किसी ऑब्स्टेकल्स के सामने हम लाइट लगते हैं तो जो अनब्लॉक पोर्शन है उसमें से लाइट निकलकर बेंड हो जाती है, एंड दैट बेंडिंग ऑफ लाइट, क्या बेटा? द बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर, ये बेटा इस ऑब्स्टेकल से कोनों की तरफ लाइट का बेंड होना, इन द पाथ ऑफ द लाइट, जो ऑब्स्टेकल्स किसके रास्ते में रखा है, लाइट के रास्ते में रखा है, दैट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए मेन कंडीशन है कि साइज ऑफ द स्लिट शुड बी लेस देन द वेवलेंथ, side of the slit should be less than equal to the wavelength. So now the next question is question number 11. Question number 11 is very important. Important number na, bahut zyada important hai beta, Huygens principle. Question number 11 beta, question number 11 the Huygens principle. Beta, wave optics ke bare mein, wave nature of light, wave optics ke bare mein, light kaise phailti hai, light kaise chalti hai, kis tarah ka, sabse pehle फ्रेसनल ने बताया था और इसके ऊपर बाद में काम किया था, ये काम किया था हाइजन ने, तो लॉ दिए थे बेटा वेव थ्योरी ऑफ लाइट हाइजन ने दी थी, और आगे जाके इसके ऊपर काम किया था फ्रेसनल ने। तो इंपॉर्टेंट है बेटा, इसके दो नियम थे, दो प्रिंसिपल थे, नंबर एक कि एवरी पॉइंट कोई भी गिवन वेव फ्रंट है, ये कोई वेव फ्रंट लिया मैंने, ये प्राइमरी वेव फ्रंट है बेटा, ये वाला जो आपका था दैट इज द प्राइमरी वेव फ्रंट, इस प्राइमरी वेव फ्रंट के ऊपर बेटा बहुत सारे पॉइंट्स हैं, नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, and these points कि यहाँ से इस medium में जितने भी particle हैं they are vibrate with constant amplitude, they are vibrate with constant amplitude, and consider that is the center and that is the radius and drawing the circle, ये circle बनाइए बेटा मैं, और ये जो circle है बेटा इनका नाम है secondary wavelets, क्या नाम है? secondary wavelets which are traveling in ऑल डायरेक्शन, ये वेवलेट्स, क्योंकि बेटा लाइट कभी ये नहीं है कि लाइट एक तरफ चलेगी, हमने बल्ब जला दिया तो लाइट चारों तरफ चलेगी, इसका मतलब है कि भी क्या होगा बेटा कि ट्रेवलिंग इन ऑल डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। सेकंड क्या बोला था बेटा कि एक टेंजेंट सरफेस जो इनको टच करेगा, सेकेंडरी वेवलेट्स को टच करेगा, लेकिन ये हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि लाइट हमेशा क्या होती है आगे बढ़ती है, पीछे कभी नहीं जाती लाइट, इसका मतलब है कि एक टेंजेंट जो टच करेगा इन सेकेंडरी वेवलेट्स को आगे की डायरेक्शन में, दैट्स देगा क्या देगा बेटा, सेकेंडरी वेव फ्रंट देगा, तो ए टेंजेंट टचिंग दीस वेवलेट्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन दैट्स गिव द सेकेंडरी वेव फ्रंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, 12 बेटा न्यूमेरिकल था, इसमें हमने यूज कराया है कि भाई क्या पूछा गया बेटा 12वें क्वेश्चन में, पूछा गया कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट फोटोन, इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ निकालिए जिसके कारण इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाए, जस्ट टू एमिट द इलेक्ट्रॉन, तो वह वेवलेंथ होती है बेटा थ्रेशोल्ड, कौन सी होती है बेटा
थ्रेशोल्ड, दैट इज द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, हमें वो निकालना है, दे ये रखा है, हमें पता फॉर्मूला यूज, ये बेटा आपका फॉर्मूला है, द फॉर्मूला यूज दैट एंड हियर अ वैल्यू ऑफ लैम्डा शुड बी, ये वैल्यू आएगी आपकी 6.18 × 10⁻⁷ मीटर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बेटा 13, क्वेश्चन नंबर 13 सिंपल, तीन नंबर का था, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की डेफिनेशन थी कि द फिनोमेना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइट एनर्जी ऑन द बेस ऑफ सुपरपोज प्रिंसिपल फ्रॉम द टू कोरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट इन ए मीडियम, जब किसी मीडियम के अंदर दो सोर्स ऑफ लाइट से लाइट चलती है तो वापस में क्यों जाती है, मिलती है, मिलकर एक लाइट बनाती है, जो किसने बताया था, सुपरपोज ने बताया था, एंड दैट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। नाउ इसके लिए बेटा फ्रिंज विड्थ के लिए एक्सप्रेशन था, तो फ्रिंज विड्थ के लिए ये एक्सप्रेशन है, ये हमें क्या लेना था, डबल स्लिट्स, यू हैव टेक द डबल स्लिट्स ए एंड बी डबल स्लिट्स एंड द सेपरेशन बिटवीन दैट इज जी स्मॉल डी, और ये स्क्रीन है बेटा, स्क्रीन कितने डिस्टेंस पर है, डिस्टेंस पर, तो मान लीजिए इस कोरेंट सोर्स से, इस कोरेंट सोर्स से लाइट निकल के यहाँ पहुंच रही है, तो वो जो है दैट पॉइंट शुड बी ब्राइट फ्रिंज या डायरेक्ट फ्रिंज, वो डिपेंड करता है पाथ डिफरेंस, सो हमें पहले पाथ डिफरेंस निकालना था, तो पाथ डिफरेंस आएगा हमारा एक्स डी बाई डी। नाउ दैट पाथ डिफरेंस हम इसको मान लेते हैं ये लास्ट वाली ब्राइट है, जब ये लास्ट वाली ब्राइट होगी तो लास्ट वाली ब्राइट के लिए दैट इज द एन इनटू लैम्डा, सो ये क्या बन जाएगा एक्स एन डी बाई डी एंड दैट इज इक्वल टू एन इनटू लैम्डा, यहां से एक्स एन निकाल लीजिए, मीन सेपरेशन, ये लास्ट ब्राइट का सेपरेशन और उससे पहली ब्राइट और बीच में कौन रहेगा डायरेक्ट, तो डायरेक्ट की फ्रिंज विड्थ आ जाएगी, डायरेक्ट की, क्योंकि सारी फ्रिंजेस एक जैसी विड्थ की हैं, तो डायरेक्ट की निकालो चाहे आप ब्राइट की निकालो इक्वल आए। इसमें सिंपल तरीके बताया था कैसे याद करना होता है, बच्चे पजल हो जाते हैं, छोटा डी या बड़ा डी, कि घर के अंदर दो डॉटर है, एक बड़ी डॉटर है एक छोटी डॉटर है, बड़ी लड़की की शादी पहले होगी, मीन्स ऊपर बड़ी लड़की छोटी नीचे आएगी, सिंपल तरीका है ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में आइंस्टीन की इक्वेशन लिखनी थी, आइंस्टीन की इक्वेशन ये थी बेटा कि जो काइनेटिक एनर्जी है, किसकी काइनेटिक एनर्जी है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, किसकी बेटा, फोटो इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी, दैट शुड बी एक्स न्यू माइनस न्यू नॉट, वेयर न्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, कहता है इट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, क्यों, क्योंकि बेटा एक फोटोन पड़ा उसी टाइम एक फोटोन निकल गया, कितना टाइम लगा, टाइम लेस देन 1 नैनोसेकंड, 1 नैनोसेकंड से भी कम टाइम लगता है, इट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। सेकंड, यदि फ्रीक्वेंसी कम हो जाए थ्रेशोल्ड से, तो बेटा जब आप इसको इधर लेके आएंगे तो ये लेस देन जीरो क्या होती है, हमेशा नेगेटिव रकम होती है, तो हमारे पास ये आ गया, ये क्या बन गया नेगेटिव, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव, विच इज नॉट पॉसिबल। अगला बेटा न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट, तो यहाँ पर ये तो ग्रेटर देन का मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव में होगा पॉसिबल, बट द काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करेगी किसके ऊपर बेटा, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करेगी फ्रीक्वेंसी के ऊपर और वेवलेंथ के ऊपर, नॉट अपॉन द इंटेंसिटी, कभी काइनेटिक एनर्जी जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी कभी भी इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है बेटा फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट। ये था आपका पेपर।